आप एक टाइम टेबल बनाते हो और उसको 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं कर पाते हो। लिखते तो हम ऐसा है कि आज से लेकर के आगे तक हम ये करने वाले हैं, बट कुछ ही दिनों में हमारा टाइम टेबल रखा का रखा रह जाता है। गोल तो हमारा 95-96% स्कोर करने का है, बट उसके लिए हमारे जो एफर्ट्स हैं वो डालने की पूरी इच्छा होने के बावजूद भी हम डाल नहीं पाते हैं। अगर आप इस परेशानी से परेशान हो तो इस वीडियो में आपको सॉल्व। हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, मैं पिछले 8 साल से आप जैसे लर्नर्स को सिखा रहा हूँ, आप जैसे बच्चों को सिखा रहा हूँ, एंड ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अकेले आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे का, हर दूसरे बच्चे का प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एक टाइम टेबल देने वाला हूँ, कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि टाइम टेबल हर इंसान का अलग होता है। कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई शाम को, कोई रात को, कोई दोपहर में, दैट थिंग्स चेंज। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा, उस फ्रेमवर्क को आप अपने हिसाब से उसमें एक टाइम टेबल बनाओगे। दूसरा, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो होने के कारण आपका टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता, ठीक है? कुछ ऐसी बात बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जो करने से आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसा रामबान तरीका बताऊंगा जिससे टाइम टेबल तो फॉलो होना ही होना है, पर इसलिए ट्रस्ट एंड सेल्फ बिलीव चाहिए। ट्रस्ट मुझ पे और सेल्फ बिलीव खुद पे, ये 2 चीजें चाहिए। तो चलिए लर्नर्स, शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। देखो यार, टाइम टेबल जब भी मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज आता है कि समय को टेब्यूलेट कर देना है। मतलब टाइम टेबल लाइक हम ऐसे बनाते हैं कि भैया आज से मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। यहाँ पे मैंने डेली को येलो कलर से जानबूझ के लिखा है और एक सत्यानाश लिखा है नीचे, क्योंकि इसका तो यही होता है अल्टीमेटली, इसका तो सत्यानाश ही हो जाता है। स्टडी स्लॉट 1, मैं 5:30 से लेकर 6:30 तक पढ़ूंगा, फिर मैं सुबह 7 बजे ब्रश नाश्ता कर लूंगा, फिर मैं 5:15 में बराबर ब्रश करूंगा और मैं तुम समझ रहे हो ना बात को। और अल्टीमेटली 2 से 4 दिन में इस प्रॉब्लम, मतलब इस टाइम टेबल का, क्योंकि प्रॉब्लम ही तो है, ये टाइम टेबल थोड़ी है, इसका सत्यानाश होना तय है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता ना, तो इसका मैं आज आपको इलाज बताने वाला हूँ, ठीक है? टाइम टेबल ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा टाइम टेबल का ना, वो क्या होता है, भाग्य होता है, इसका ना फिक्स्ड फ्यूचर होता है कि इसका फ्लॉप होना ही होना है। टाइम टेबल का यही नियति है इसका, ये तो होगा ही होगा। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी मेरी स्टोरी बताता हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। देखो, मैं ना अपने पढ़ाई को लेकर के ना 8th स्टैंडर्ड में सीरियस हुआ, ठीक है? 8th स्टैंडर्ड मतलब मिड ऑफ 8th स्टैंडर्ड में, और मुझे किसी ने तो सजेस्ट कर दिया कि शुभम सुबह पढ़ना मतलब बेस्ट पढ़ना होता है। और तुम लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन है कि मॉर्निंग में पढ़ाई करूँ, इवनिंग में पढ़ाई करूँ, और कितने घंटे पढ़ाई करूँ। अब मेरी जो स्टोरी है ना, वो इन क्वेश्चन को आंसर करेगी। मतलब स्टोरी में तो मेरा ऐसा कचरा हो गया है, बट ठीक है, तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो मैंने भी ऐसे जा करके मेरे पड़ोस के भैया से पूछा कि भैया एक बात बताऊँ, मैं ना अभी 8th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड में जाने वाला हूँ, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 10th में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहता हूँ, तो मुझे कितने बजे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एंड मैं जब मतलब एग्जाम वगैरह दे रहा था, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, तो इतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं था हमारे पास। तो मैंने उनको बोला कि भैया कितना पढ़ना चाहिए, उन्होंने बोला सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना चाहिए। मैं अब बोलूँ आज्ञाकारी बच्चा, भोंदू बच्चा, जो बोलना बोल लो, बट मैं लिटरली 3 बजे उठ करके, हम एक 1 रूम किचन में रहते थे, ठीक है, और मैं किचन में जा करके लाइट जला के, क्योंकि घर में सब सो रहे हैं ना बाकी लोग, तो मैं किचन में जा करके पर्दा वर्दा डाल करके ऐसा चुपचाप से बैठ के पढ़ता था 3 बजे से। मैं इसको लगभग कुछ दिनों तक कर पाया था, क्योंकि जोश था, लेकिन बाद में मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया था। और ट्रस्ट में कुछ ही दिनों बाद मतलब मैं थोड़ा बीमार सा लगने लगा, लो ऑन एनर्जी चला गया था, बीमारी हो गया था मान के चलो। तो ऐसे कोई भी कोई सलाह दे दे और तुम उसको ऐसे फॉलो मत करना, ठीक है? जस्ट मोटिवेशन में कुछ गड़बड़ मत करना। बाई द वे, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि इस चीज को फिर 3 बजे तो नहीं, लेकिन 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता था मैं, और मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता था, बट अल्टीमेटली मुझे बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले थे 9th स्टैंडर्ड में, जब मैं 9th स्टैंडर्ड के गोल से पढ़ रहा था, एंड मैं कंसिस्टेंट नहीं था, ये मैं बोल दूंगा, और आई स्कोर जस्ट 78%, इतने भी अच्छे नहीं थे वो एज कम्पेयर टू मेरा गोल 95-96, तो मेरा कचरा हो गया था। लेकिन जब मैं 10th में गया, तो मैंने 88% स्कोर किया, और वहां पे मैंने किसी की नहीं सुनी थी, मैंने अपनी सुनी थी। मुझे जब पढ़ने का मन होता था तब मैं पढ़ता था, मैं टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ता था,
मैं फिक्स रखता था कि आज मुझे एक्स वाई जेड करना है और उस एक्स वाई जेड खत्म होने में आप एक मिनट लगे या एक घंटा लगे या दस घंटा लगे, मैं उसको करके ही दम लेता था। ये भी नहीं है कि मैं लगातार पढ़ता था कि अभी पढ़ने बैठा हूँ तो करके ही उठूंगा, जब तक मन करेगा तब तक पढ़ूंगा, फिर उठूंगा फिर पढ़ूंगा। मेरे घर वालों को लिटरली ये लगता था, पढ़ता वढ़ता नहीं, मेरे टीचर्स को भी लगता था, बट आई स्कोर्ड वेरी गुड परसेंटेज इन 10th स्टैंडर्ड। तो मेरी स्टोरी को मैंने बहुत शॉर्ट में तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हें भी अपने मन के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन हाँ ये है कि जो टारगेट हमने बनाया है ना, उस टारगेट को हम एट एनी कॉस्ट अचीव करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि 3 बजे उठ जाओ, रात को सो नहीं पा रहे हैं एंड ये बीमार वार नहीं होना हमें, बट हम एक टारगेट लेके पढ़ेंगे, वो हमें पता है, हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। मेरी स्टोरी का यही एक कंक्लूजन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की, मॉर्निंग में पढ़ाई करूँ या इवनिंग में पढ़ाई करूँ और कितने घंटे पढ़ाई करूँ, कितना पढ़ाई करूँ। देखो मॉर्निंग या इवनिंग ये डिपेंड करता है। देखो कभी हो सकता है कि तुम्हें सुबह उठ के पढ़ना हो क्योंकि एग्जाम है तुम्हारा, कभी हो सकता है कि तुम्हें सुबह नहीं उठा जा रहा क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरा दिन पड़ा हुआ पढ़ने के लिए। तो ये मॉर्निंग इवनिंग ना ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो? तुम मॉर्निंग पर्सन हो तो इट्स गुड, तुम मॉर्निंग में पढ़ो, तुम इवनिंग पर्सन है तो इट्स गुड, तुम रात को पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही चीज ना सभी को, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ गुलाब जामुन, जितने भी बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं क्या सबको गुलाब जामुन पसंद होगा? क्या नहीं पसंद होगा? मैं कहता हूँ आम, क्या सबको आम पसंद होगा? क्या नहीं? माइट भी किसी को आम ना पसंद हो, ऑरेंज ज्यादा पसंद हो, समझ रहे हो? तो किसी एक चीज को ना सब पे लागू करना गलत है, इसलिए आप मॉर्निंग में पढ़ो या इवनिंग में पढ़ो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखो। दूसरा कितना पढ़ाई करूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना से यहाँ पे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, तो कितना टाइम पढ़ाई करूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि कैसे क्या पढ़ाई करना है, क्या नहीं, क्या पढ़ाई करना है, ठीक है? टाइम ओरिएंटेड नहीं कि कितना मुझे आज पढ़ना है, मतलब क्वांटिटी ओरिएंटेड करो कि हाँ आज लेट से कि मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरा ये टेक्सटबुक है, इसमें पहला चैप्टर कौन सा, ग्रेविटेशन, तो आज मुझे ग्रेविटेशन खत्म करना है या फिर आज मुझे ग्रेविटेशन के ये 3 टॉपिक्स खत्म करना है, ऐसे पढ़ाई करना है, उसमें जितना भी टाइम लग जाए। आइडियली मैं सजेस्ट करूंगा आपको 3 घंटे तो डेली पढ़ने के लिए, उसके बेस पे मैं एक टाइम टेबल भी देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो पढ़ाई बोरिंग है, मेरी ये अपनी क्या कहते हैं रिसर्च है या फिर मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई बोरिंग है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आप भी एक्सेप्ट कर लो। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे पढ़ाई में बड़ा मजा आता है, डेफिनेटली उसको आता होगा बिकॉज उसका उतना गोल है, उतना सेल्फ मोटिवेटेड है, उतना डिसिप्लिन होगा वो। बट मेरे केस में पढ़ाई बोरिंग है, मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे करना है, ठीक है, ये जरूरी है, इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ डेली, करना होता है, ठीक है, वरना दांत खराब हो जाते हैं। तो पढ़ाई बोरिंग है, आई एक्सेप्ट इट, बट मैं करूंगा। लेकिन मैंने क्या किया, अपने पढ़ाई को ना गेमीफाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसको गेमीफाई कर दो। गेमीफाई कैसे करना है आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना अपने मोबाइल को अपना वेपन बना लो, ठीक है, मोबाइल का को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट मत करो, ऐसे मतलब वेपन इस तरीके से बना लो ना कि आप इसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो, टाइम टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करो, अभी जैसे तुम वीडियो देख रहे हो ये, या फिर हमारे चैनल पर जो स्टडी वाले वीडियोज है वो देखने के लिए, ठीक है, कोई अच्छे प्रोडक्टिव ऐप होते हैं उनका इस्तेमाल करो, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब इसको एज अ मतलब इसका स्लेव मत बन जाओ, इसको अपना स्लेव बन, पॉइंट ये है, ये बहुत जरूरी है, मतलब ये एक मत रखो कि आप मोबाइल यूज करते ही रहना, करते ही रहना, करते रहना, चीजों को थोड़ा फिक्स रखो, इट विल हेल्प यू। दूसरा है कि कम खाओ, ये नहीं कि भुखड़ के जैसा जो मिल रहा हो खाते जा रहे हैं, ठीक है, दिन भर मुँह चल रहा है, तुम जानवर नहीं हो, गाय भैंस नहीं हो, तो प्लीज ईट लिमिटेड, ठीक है, जितना जरूरी हो उतना खाओ, दिन भर चबाते रहोगे तो दिमाग, तो ब्लड है ना वो पेट में जाता रहेगा डाइजेस्ट करने के लिए, दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, फिर फालतू का खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, हर इंसान की बॉडी की लिमिट मतलब पानी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करो। और गेमीफाई करना आई वर्सेस माईसेल्फ, मतलब आई वर्सेस माईसेल्फ से मेरा बोलने का मतलब क्या कि भैया कल मैं अपने 3 घंटे पढ़ना था बट मैं 1.5 आवर ही पढ़ पाया, आज मैं कुछ भी करके 10 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा कल से, ऐसे, समझ रहे हो? अपने गोल को 100% अचीव करो या ना करो। देखो हम लीव क्यों कर देते हैं, हम छोड़ क्यों देते हैं, हम छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि हम जो डिसाइड करते हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाते। मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा बट मैं 4 घंटे नहीं पढ़ पाया तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ये नहीं करना है, समझ रहे हो ना? 4 घंटे डिसाइड किया था, 4 घंटे नहीं पढ़ा, नहीं 4 घंटे नहीं पढ़ पाया, मैं कितना पढ़ पाया, 2 घंटे पढ़ पाया, ओ मैं अपने 50% गोल को अचीव कर पाया, कल मैं क्या करूंगा 51% अचीव करने की कोशिश, ज्यादा पढ़ने की, मतलब जो मेरा पुराना स्कोर है उसको बीट करना है, छोड़ना नहीं है गेम को, समझ लो, ऐसे हम गेमीफाई कर सकते हैं। बाय द वे लर्नर्स एक चीज और है कि टाइम ओरिएंटेड एक टाइम टेबल होता है और एक होता है टास्क ओरिएंटेड, इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं इससे पहले
इससे पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा एक बैच है आरंभ 2.0, ये क्लास 10th के लिए। अगर आप 9th से हो तो 9th के लिए भी बैचेस होते हैं हमारे। ये मेरा नंबर है, देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा 9th का बैच विक्ट्री 2.0। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा प्रेजेंट कहां है, सेंटर तो मिल नहीं रहा है, बट एनीवेज पे अब ध्यान से सुनो, इसमें ये सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। और ये जो बैच है ये भी आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर टाइम टेबल में लाने में और टाइम टेबल को फॉलो करने में। बात मैं बाद में करने वाला हूँ, बट पहले बैच के बारे में। आरंभ 2.0, ठीक है, और यहाँ पे पढ़ाई हमने 24 अप्रैल से स्टार्ट किया, तो बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा जून एंड तक भी ज्वाइन करोगे तो लेट नहीं हो रहा है। एक साल का पूरा बैच है, 30 अप्रैल 2024। ये हमारे टीचर है, हर सब्जेक्ट अलग टीचर्स है, ठीक है। और आप सेम इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम से हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इंग्लिश का जो सोशल स्टडी मराठी में है एंड हम मराठी में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को सोशल स्टडी नीलिमा मैम इंग्लिश बोलता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए भैया, आरंभ 2.04 इंग्लिश एंड इंग्लिश सेम इंग्लिश मीडियम एंड दिस, ये सारे फीचर्स आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि सारे टीचर्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। डेली लाइव क्लासेस होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज जिसके अंदर इंक्लूडेड है, हर संडे टेस्ट होता है। पर्सनली मैं मेंटर करूंगा, आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, शायद नहीं दिख रहा अभी, देखो तो ये नंबर है, मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे आप परचेस करोगे रिसिप्ट पे लिखा रहेगा, तो आप डेफिनेटली उससे कभी भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। एंड हाँ, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा और रिविजन बैच भी इसमें, मतलब नवंबर से हम दोबारा सिलेबस पढ़ा स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर लेट भी ज्वाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस इसमें 2 से 3 बार कंप्लीट कराएंगे। मैथ्स और साइंस का तो 2 बार कंप्लीट पर तो होना ही है, इसी बार भी करने की कोशिश करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे ऐप के ऊपर होता है, ऐप पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन है मेरे पीछे, देखो अब मैं हट जाता हूँ, रेज अ हैंड, हाथ का सिंबल दिख रहा है ना आपको, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, उस पर क्लास के अंदर भी वॉइस चैट करके टीचर्स डाउट क्लियर कर सकते हो। कुछ फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन ले लेते हैं, हु शुड ज्वाइन दिस बैच, अगर आपका गोल है 95-96% तक स्कोर करना, अच्छे नंबर स्कोर करना 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लर्नर्स इसके बाद लाइव होंगे या रिकॉर्डेड होंगे, तो सारे क्लासेस लाइव होंगे, लेकिन लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी रहेगी कि आप रिविजन बाद में भी देखें, ठीक है। ऐप पे होगा या यूट्यूब पे होगा, तो अभी मैंने बताया था कि हमारे ऐप पे होगा सारे के सारे, और लैपटॉप से आप हमारे वेबसाइट से ज्वाइन, ठीक है। लर्नर्स कैसे इनरोल करें उसका डिटेल्ड वीडियो, मोबाइल से कैसे करें, लैपटॉप से कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां से आप देख कर इस QR को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, और WhatsApp पे स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है, WhatsApp पे स्क्रीनशॉट डाल देना, ये हमारा WhatsApp नंबर है, दिख रहा है ना आपको, इस पे स्क्रीनशॉट डाल देना, इस पे भी कर सकते हो। पूरे साल का फीस है 6,000 रुपये, आप 3,000-3,000 करके इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, जो कूपन कोड ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने के कगार पे है, तो अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो 6,000 में, ये कूपन कोड अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। 3,000-3,000 करके आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, ये बात याद रखना, ऐप पे ही ऑप्शन दिख जाएगा आपको। लर्नर्स जो फीस मैंने बोला वो पूरे साल का फीस है 6,000 रुपये, सारे सब्जेक्ट का, पूरे साल का सारे सब्जेक्ट का फीस है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको आरंभ बैच हेल्पफुल रहे, ठीक है, और टाइम टेबल वाली बात से बताऊंगा। इनको भी ज्वाइन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, एंड हमारे ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक सब डाला हुआ है। 9th के हो तो विक्ट्री बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर, क्वेरी कर लेना नंबर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा 11th के लिए भी हमारे पास प्लान बैच। एनीवेज भाई, हम बात कर रहे थे टाइम ओरिएंटेड एंड टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल, और कैसे आरंभ बैच भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर अगर आप आरंभ बैच में नहीं हो, आप कहीं और ट्यूशन जा रहे हो या फिर कुछ और, तो उसको कैसे आप यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए अपने टाइम टेबल। टाइम ओरिएंटेड कैसा होगा कि मैं डेली 3 घंटे पढ़ूंगा, ये टाइम ओरिएंटेड होगा। अब 3 घंटे में कितनी प्रोडक्टिव पढ़ाई होगी, इस बात का तो कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है, कितनी प्रोडक्टिव पढ़ाई होगी, तो ये टाइम ओरिएंटेड होता है, इतने देर तो मुझे डेली पढ़ना है। दूसरा होता है कि मैं रोज 10 क्वेश्चन या फिर 1 चैप्टर करूंगी। अब ये हो गया टास्क ओरिएंटेड। अब ये जो टास्क ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाओ, इसको हम क्या करते हैं, एक दिन में हम खाली कल का टाइम टेबल बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं कि आज से मैं डेली सुबह 5 बजे उठूँ, एक दिन तो ढंग से होता नहीं है, तो डेली का तो मत बनाओ, ठीक है, कि आज से मैं डेली ये करूंगा डेली वो करूंगा। अगर वो हो गया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुआ ना तो बहुत दुख होता है, इसलिए ऐसे मत करना। आपको ऐसे करना आपका टाइम टेबल की मैं रोज 10 क्वेश्चन करूंगा, 1 चैप्टर करूंगा, और वो जो आपका होगा ना टास्क, कि मान लो कि 10 क्वेश्चन, कौन से 10 क्वेश्चन करेंगे हम, 10 क्वेश्चन वो करेंगे जो हमारे ट्यूशन में या फिर हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात, हम वही करेंगे जो हमारे ट्यूशन में या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तरीके से हम अपना टास्क डिसाइड,
हम आज खाली कल का टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। हमारे फ्रेमवर्क में आज हम खाली कल का डिसाइड करने वाले, परसों का नहीं। मैं जो आज रात को सोने से पहले कल का डिसाइड कर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 3 घंटे की हमें मिनिमम सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, उसके बियॉन्ड अभी जरूरत नहीं है। जुलाई अगस्त जब निकल जाएगा, ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद आपको डेली से कम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आप स्कूल जा रहे होगे, ट्यूशन भी जा रहे होगे, उसके बाद थोड़ी और करनी चाहिए। तो अभी के घंटे टिल जुलाई अगस्त से ये चेंज हो जाए। आगे बढ़ते हैं, फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि आपको उठना है, ये टाइम आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन आपका स्कूल जल्दी है, लेट है, कब है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है, सुसु पॉटी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती है, तो आपको फ्रेश होना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है, स्ट्रेचिंग वगैरह, तो थोड़ा हेल्दी रहोगे। फिर आपका पहला स्टडी स्लॉट 1 होगा। इस स्टडी स्लॉट में आप कोई भी लर्निंग वाली चीज़ें डाल सकते हो, या फिर अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप अपने मैथ्स का यहाँ पे डेली 10 सम प्रैक्टिस कर। ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, लर्निंग वाला कोई भी साइंस या सोशल स्टडी, साइंस या सोशल स्टडी या फिर मैथ्स का 10 सम, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट करोगे, ऑब्वियसली डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आपका स्कूल ट्यूशन या सेल्फ स्टडी, अगर देखो स्कूल है तो स्कूल चले जाओ, ट्यूशन है तो ट्यूशन चले जाओ, अगर सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ, ठीक है, माइट भी कुछ लोगों का ट्यूशन बाद में भी हो सकता है स्कूल के, पहले भी हो सकता है। चलो, उसके बाद मान लो कि अगर आपका स्कूल है, अगर मान लो ट्यूशन पहले हो गया बाद में स्कूल, या फिर स्कूल पहले हो गया बाद में यहाँ पे ट्यूशन आ गया, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। फिर आपका स्कूल से आने के बाद पॉइंट क्या है कि आपका स्टडी स्लॉट 2 होगा। इसमें मैं अक्सर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि जो स्कूल में पढ़ाया गया उससे रिलेटेड चीजें करने के लिए, स्टडी स्लॉट 2 में स्कूल में जो कराया गया उससे रिलेटेड चीजें करो, ठीक है। उसके बाद आता है मी टाइम। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कुछ तो एक्टिविटी रखो, यू कैन लाइक योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बाहर खेलने जा सकते हो, बारिश वारिश का मौसम है तो नहीं जाओगे, लेकिन कुछ तो मी टाइम रखो, या फैमिली के टाइम थोड़ा साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, या यूज सोशल मीडिया ऑन दिस टाइम लाइक 30-40 आवर, या फिर कोई मूवी या फिर कोई गाने सुनने, जो भी तुम्हें करना है वो ये मी टाइम रखो, कि ये आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम है। इसके अलावा आप अपने आप को अलाउ नहीं करते हो डिस्ट्रैक्ट होने की, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आप अपना डिनर करो मी टाइम के बाद फैमिली के साथ, ये जरूरी होता है। और उसके बाद आप स्टडी स्लॉट 3 रखो, जिसमें आप, इसमें 2 चीज़ें होंगी स्टडी स्लॉट 2-3 में, अगर कुछ बाकी रह गया पढ़ना लिखना जो आपको लग रहा है तो आप इसमें स्टडी करोगे, नई चीज़ें सीखोगे, न्यू थिंग्स, या फिर आप लर्न भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, या फिर इसमें आप लर्न करोगे नई चीज़ें, लिख लेना आप लोग, जरूरी है ये। और दूसरा जो इसमें मैंने आपको बोला, पहला तो हो चुका है, अब दूसरा जो इसमें आप करोगे कि कल का टाइम टेबल बनाओगे, टाइम टेबल या फिर हम बोले टास्क टेबल बनाओगे कि कल आपका स्टडी स्लॉट 1 में एक्चुअली क्या होगा, आप कौन से मैथ्स के 10 सम करने वाले हो, या कौन से 5 क्वेश्चन लर्न करने वाले हो। स्टडी स्लॉट 2 ये तो स्कूल के हिसाब से डिसाइड होगा, बट स्टडी स्लॉट 3 में कल एक्चुअली आप क्या करने वाले हो, ये आप यहाँ पे डिसाइड करोगे स्टडी स्लॉट 3 में नेक्स्ट डे का, और उसके बाद ऑब्वियसली आप सो जाओ। अब अलग अलग लोगों का ट्यूशन और बाकी सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। क्या एक कहावत है, कितना रिलेट होगा इस सिचुएशन से मुझे नहीं पता, तो मैं कहावत बताता हूँ, चलती चक्की देख के ये कबीरा रोए, 2 चाकन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 जगह ट्यूशन लगा लेते हैं, 10 जगह से पढ़ते हैं, उनका तो समझ रहे हो ना क्या होगा, कहावत ही तुम्हें बताया, साबुत बचाना कोई, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो टाइम टेबल तो भूल। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करो, मैंने कहा था ना कि खुद पे बिलीफ, या फिर मुझ पे बिलीफ और खुद पे ट्रस्ट, दोनों में से कुछ भी करो, राइट, ठीक है, अपने टीचर पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे, 10 जगह जाओगे तो ही अटक जाओ। एंड आरंभ 2.0 आप ही लोगों के लिए, तो इसको डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करने का कंसिडर करो, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो जो मैंने फीचर्स बताया, देखो हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, मैं आपको ना रिजल्ट्स के नाम पर एक बार जस्ट दिखा देता हूँ जो हमने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, ये अलग अलग रिजल्ट्स, अगर आपको स्क्रीन पे लाइक यहाँ पे ही देख लो, ये बच्चे का 97%, ठीक है, 97%, ये 10th का रिजल्ट है हमारा, अभी तक का रिजल्ट तो आया नहीं, सीबीएसई का आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो 96, यहाँ पे आप देख सकते हैं 94%, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट हमारे प्रोड्यूस किया है, नॉट ओनली फॉर 10th, 9th के बच्चों ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट किए, 9th रिजल्ट हमारे, तो रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छे हैं। बट आप आओ और सीखो, आरम 2.0 ज्वाइन करो, मैं यही सजेस्ट करूंगा, दिस बैच इज फॉर यू, ठीक है। और इसमें हम 2 से 3 बार सिलेबस कंप्लीट, 2 बार तो मिनिमम कराने वाले हैं, ठीक है, फिर भी टाइम बचेगा तो क्रैश कोर्स वगैरह करा के 3rd बार भी कराएंगे, तो देयर इज नो लेट, जॉइन, यू जस्ट जॉइन इट, ठीक है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो अहेड। टाइम टेबल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसा एक टॉपर का डेली रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से किस फ्रेमवर्क में डालोगे तो आपका चला जाएगा, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। लास्टली एक चीज बता दूंगा कि आरंभ 2.0 अगर ज्वाइन करते हो तो ट्रस्ट करो,
जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे टाइम टेबल को कब हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा, ज़्यादा समय प्रैक्टिस करें। और कभी भी 2 दिन से ज़्यादा का टाइम टेबल नहीं बनाते, ऐसे नहीं डिसाइड करते कि आज से मैं पूरी जिंदगी सुबह 6 बजे उठूँ, वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लेके जाओ लास्ट में, 3 पॉइंट एक्चुअली अगर मैच मेरे आ रहे हो तो मुझ पर ट्रस्ट करना, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे करते जाना, समय से पहले सब हो जाएगा, प्रैक्टिस को ज़्यादा समय। सेकेंड पॉइंट, कभी भी 2 दिन से ज़्यादा का टाइम टेबल नहीं बनाते, कभी भी 2 दिन से ज़्यादा का टाइम टेबल नहीं बनाते। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जो आपको इस वीडियो से लेके जाना है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। ठीक है, खुद पे ट्रस्ट करना है कि आप कर सकते हो। अगर कल का गोल अगर आप 50% अचीव कर पाए, लाइक आपने 4 घंटे सोचा था और अगर आप 2 ही घंटे पढ़ पाए तो छोड़ना नहीं है, कल कोशिश करना 2 घंटा 10 मिनट की वर्सेस माई सेल्फ गेम फाइट, समझ गया ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों के साथ जो भी पढ़ते हैं क्लास 9, 10, 11, 12, किसी में जो पढ़ते हैं जिनको जरूरत है इस वीडियो, एंड दैट विल हेल्प अस टू ग्रो एंड आप भी एक अच्छा काम करो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर आरएम 2.0।